नाम है जी आपका? हाँ, मेरा नाम दीन मोहम्मद मामलिका है। असल में जो किसानों के साथ ज्यादतियाँ हुई, मजदूरों के साथ ज्यादतियाँ हुई, पहलवानों के साथ ज्यादतियाँ हुई, और जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने, उससे एक माहौल बना और जो ज्यादतियाँ महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ या कांग्रेस पार्टी के आदमियों के साथ या बाकी वर्ल्ड बाकी पब्लिक के साथ जो ज्यादतियाँ बीजेपी गवर्नमेंट कर रही थी, उनके लिए एक माहौल सा क्रिएट हो गया और लोगों को ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी जिंदा है और कांग्रेस पार्टी हमारी आम आवाम की आवाज उठाने के लिए तैयार है। उसने वो यात्रा यहाँ से जो मेवात से निकली उसके साथ हमारा मनोबल बढ़ा लोगों का और कांग्रेस का मनोबल और यहाँ वोटर बढ़ गया और आज मोदी के अगेंस्ट ये जो भी बहाव दिखाई दे रहा है, ये मोदी के अगेंस्ट बीजेपी के अगेंस्ट जो दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी की जो यहाँ की भारत जोड़ो यात्रा थी उसी का नतीजा है। देखिए, देश का प्राइम मिनिस्टर जब ड्रेस से लोगों को पहचान लग जाए, जब देश का प्राइम मिनिस्टर किसी संस्थानों पर नजर रखने लग जाए, जब देश का प्राइम मिनिस्टर ये सवाल पूछने लग जाए पब्लिक से कि फला संस्था को बंद कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए या ना कर देना चाहिए, उस आदमी से आम आवाम का नाराज होना आम सी बात है। और इसीलिए खास तौर से मुस्लिम वर्ग, कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सारा का सारा आज मोदी सरकार से नाराज है। बहुत बेहतरीन तरीके से राहुल गांधी ने अपना परिचय दिया है। जो लोग उसे पप्पू कह रहे थे, उन लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये कौन पप्पू है। वो समझ गए होंगे कि राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी का नवासा है, ये इंदिरा गांधी का बेटा पोता है, ये वो समझ गए होंगे। और ये उसी खानदान से वास्ता रखता है जिस खानदान ने देश को आजाद कराने में 9 साल तक जेल भुगती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या नाम है जी आपका? कमर खमेवती। ऐसा है, राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुआ था, वो एक भाईचारे को जोड़ता चला गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और उसका ही परिणाम है जो अब फुल बहुमत में सरकार आने वाली है हरियाणा में कांग्रेस की। क्योंकि बीजेपी ने वहाँ मणिपुर चले जाओ लड़कियों को नंगा डुलाया और सरकार चुप रही, खामोश रही। नहीं, अब जोशीला नहीं, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि उसकी गठबंधन सरकार है ना, कि उसको बोलेगा तो कोई नाराज ना हो जाए। इसलिए मोदी है जो प्रधानमंत्री हमारा, वो बिल्कुल टूट चुका है, उसमें अब वो जोहर नहीं रहे, सिर्फ बिखर चुका है, सिर्फ नाम का मोदी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है नीरज कुमारी प्रजापति। देखिए जी, राहुल गांधी की यात्रा से हरियाणा के अंदर पहले से ही हमारे जो है फेवर में वोटर हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के उस आने से बहुत ज्यादा जो हमारा वो है वोट, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्हें तो प्रधानमंत्री कहा जाए तो प्रधानमंत्री की जगह उन्हें अगर प्रचार मंत्री कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए देश प्रायोरिटी है, ना कि पार्टियां। और वो इस तरीके से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वो देश के एक प्रधानमंत्री नहीं, एक बीजेपी के खाली कार्यकर्ता हो। उन पर इतनी जिम्मेदारियां हैं देश के जो संविधान से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड और बहुत सारी समस्याएं हैं जो देश के लिए हैं, उस पर उनको फोकस करना चाहिए, बजाय चुनाव साल खाली। चुनाव है, ये जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आदमी प्रचारक बनकर ही रह जाए। तो किस तरह का माहौल है? माहौल पूरे स्पष्ट तरीके से है, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और हमारे तमाम कैंडिडेट जिसमें कि आफताब जी भी है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। हरियाणा की हम बात करेंगे जी, कितनी सीटें आने की उम्मीद है, कितने का माहौल? हमारे 70 से प्लस में हमारी सीटें जा रही हैं हरियाणा के अंदर, और पूर्ण बहुमत से भी बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, आप हरियाणा की बात क्यों कर रहे हो? राहुल गांधी की यात्रा ने तो देश को बदल कर रख दिया। बीजेपी के 10 साल के शासन को तो लोगों में भ्रम बना हुआ था। दो यात्रा हुई है इस देश में, एक यात्रा तो हुई थी जो 9 अक्टूबर 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू करी थी, बम्बई से अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो। एक राहुल गांधी ने पीछे शुरू करी थी भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा में जब उसने देश के हर तबके के लोगों से मिला, समझा और लोगों ने उनको समझा, तो पूरे लोकसभा हम देख चुके कि किस तरह के परिणाम आए,
रही हरियाणा की बात, हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा से इतना फर्क पड़ेगा कि बीजेपी इनोलो वाले खाते खोलने को भी तरसेंगे। जिस तरह राहुल, आपको पता है, अमेरिका में हमारे देश के एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया, तो उससे हॉस्पिटल गए मिलने, वहाँ उनके माँ बाप से बात कराई ऑनलाइन, और फिर वहाँ से सीधे किसी को पता भी नहीं चला, दिन निकलने से पहले करनाल उस युवक के घर पहुँच गए थे राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, दूसरा गांधी है ये। और एक दिन माहौल तो हरियाणा में कांग्रेस ही कांग्रेस हो रही है बस, अब तो इतना है कि हरियाणा का परिणाम बदलने वाला है, बटन दबा दो हाथ का सुल्तान बदलने वाला है बस। देखिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं जो बन जाता है, लेकिन जिस तरह की बातें प्रचार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, छोटी बातों को लग रहे हैं, एक विधायक को भी उसने अपनी जबान से क्रिटिसाइज किया है, तो इस तरह उसको गली कूची में, छोटे शहरों में, विधानसभा में देश को देखना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को देखे, गरीबी को देखे और जो सारी समस्याएं लोगों की उनको देखे, प्रचार में ही लगे रहते हैं, जितनी जनसभाएं करते हैं चुनाव प्रचार की, तो छोड़ के नहीं किसी को और को दे दें, बीजेपी के चीफ प्रवक्ता बन जाए। प्रधानमंत्री जी से इतने प्रचार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए आदमी को। राहुल जी की हरियाणा में यात्रा से तो पहले तो हम थे जो है 60+, अब तो हम 70+ हैं। मुझे लगता है 15 से 20% का उसका असर पड़ेगा उसकी यात्रा का। और हरियाणा से क्या, उसका तो जो उसने संघर्ष किया था, जो यात्रा निकाली थी, तो पूरे देश में ही उसका पार्लियामेंट के उसमें हमें जो है रिजल्ट भी देखने को मिला, वो आपके भी सामने है, आप लोग सब जानते हैं भलीभांति। किस तरह का माहौल है हमारे यहाँ तो हरियाणा में, और मेवात में देखो तो मेवात में हमारी 6 की 6 सीट जो है कांग्रेस की जाएंगी डेफिनेटली, और बड़े मार्जिन से 7 जीतेंगी। और नूह की बात बता दें तो नूह में तो मामला ही एक तरफा है, यहाँ तो अब 2 रिकॉर्ड जो है और नए कायम होने वाले बनने वाले हैं लगातार। दूसरी बार प्रेजेंट के विधायक हैं हमारे बापताब जी, और अब दोबारा जो है बनने वाले लगातार। नूह से पहली बार होगा जो लगातार आफ्ताब अहमद जी दूसरी बार विधायक जी बनेंगे, और उसके साथ साथ में कम से कम 40,000+ से जो है जीत की उम्मीद है। तो क्या लगता है 10 साल में भाजपा सरकार ने यहाँ पे राज किया? नहीं नहीं, राज क्या क्या, यहाँ पे तो जी अत्याचार किया था भाजपा ने। 2005 में हमारी 2005 में सरकार आई थी कांग्रेस की, हमको मेडिकल भी दिया, कॉलेज भी दिए, अस्पतालें भी दी और स्कूलें भी दिए थे। तो उनमें क्या है कि हमारे स्कूलों से टीचर छीन लिए गए, स्कूल एक टीचर जो है उस 5-5 से बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज को जो है रेफर कॉलेज बना दिया इन लोगों ने, और हमारे जो एक खूनी रोड के नाम से NH जो हमारा हाईवे है, इसको हमने 15 इस पर प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन इस सरकार के कोई भी कान पर जू नहीं रहती। ये सिर्फ मेवात को बरगलाने का, नीचे दिखाने का 10 साल में काम किया है।